हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी अग्रवाल। पहले आप 2G फिर 3G नेटवर्क में इंटरनेट चलाते थे, फिर आपके फ़ोन में 4G नेटवर्क ने स्थान ले लिया और आपकी आदत में 4G नेटवर्क है। कई बार फ़ोन में 3G नेटवर्क आता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर पहले के वक्त कैसे इंटरनेट चलाते थे, लेकिन अभी आपको 4G नेटवर्क सही लगता है। तो सोचिए, आपके फ़ोन में जब 6G इंटरनेट चलने लगेगा तो आपका क्या हाल होगा। आप जिस स्पीड से अभी वीडियो देख रहे हैं वो और भी तेज हो जाएगी। ऐसे में जानते हैं कि जब 6G नेटवर्क आपके जीवन का हिस्सा बनेगा तो किस स्पीड से अपना काम कर पाएंगे। साथ ही उदाहरण के तौर पर जानते हैं कि 6G नेटवर्क आने के बाद जब आपको एक फिल्म डाउनलोड करनी होगी तो कितना टाइम लगेगा। जानते हैं 6G नेटवर्क से जुड़ी कुछ खास बातें। 5G का इंतज़ार अभी हो रहा है और भारत में इन दिनों इस बार काफ़ी बहस जारी है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानी दिमाग और किसी डिवाइस के बीच सीधा संपर्क 6G के माध्यम से संभव हो सकता है। माना जा रहा है कि दुनिया में 2030 में 6G नेटवर्क लोगों के जीवन का हिस्सा बन सकता है और यह 5G नेटवर्क की जगह लेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप संघ में 6G नेटवर्क के लिए करोड़ों यूरो खर्च की जाने की बात चल रही है। माना जा रहा है कि 6G नेटवर्क 5G से करीब 50 गुना तक ज़्यादा तेज़ हो सकता है और इससे कई गुना तेज स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक 6GB की फिल्म LTE नेटवर्क में 50 मेगाबाइट प्रति सेकंड की रफ्तार से लगभग 17 मिनट में डाउनलोड होती है। 5G नेटवर्क में यह टाइम 8.5 मिनट लगता है, जबकि 6G नेटवर्क में टाइम काफ़ी कम लगता है। 6G नेटवर्क में 1000 मेगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से फिल्म 55 सेकंड में डाउनलोड हो सकती है। अभी 4G नेटवर्क 3G नेटवर्क से 10 गुना तेज़ है, जबकि 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क से कई गुना तेज़ होगा। तो सोच लीजिए 6G नेटवर्क की क्या स्पीड होगी और जो काम एक घंटे में हो रहा है वो कुछ मिनटों में किया जा सकेगा। हालांकि भारत में इसे आने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि भारत में अभी 5G नेटवर्क के लिए रास्ते तैयार हो रहे हैं और जल्द ही 5G के लिए रास्ते खुलेंगे और आप 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। धन्यवाद। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।